राम राम मित्रों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आज और एक नई वीडियो के साथ। भाइयों, ये वीडियो काफ़ी समय पहले रिकॉर्ड की थी मैंने बरसात के अंदर। सबसे पहली मेरी यही वीडियो थी, मगर मैंने किसी वजह के कारण ये नहीं डाली थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं किसान भाई क्या बोलेंगे, मगर भाइयों, इस वीडियो को इसलिए अपलोड कर रहा हूँ मैं क्योंकि इन दो प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है औरों के मुकाबले। हमने कई प्रोडक्ट लगाए थे, सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है दो ही प्रोडक्ट का रहा है। उपवर्कों के अंदर तो जो एक ग्रोमोर आता है वो, और एक ये गिरनार जो है ये, और इंसेक्टिसाइड में भाइयों ये काफ़ी अच्छा इंसेक्टिसाइड मिला है, ये मील की तरफ से हमें मिला था। भाइयों, जो मैं आपको ये सेम रामबाण की तरह निकलता है, रामबाण मील से भी मिलता है, मील वाला भी हमने डाला था, मगर मील वाले से कई गुना ज़्यादा बेहतर है ये। उससे कॉस्ट में भी कम है, और भाइयों कॉस्ट मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हर दुकानदार अलग अलग रेट पे बेचता है। किसी के यहाँ अलग रेट पे मिलेगा और किसी के और रेट पे मिलेगा। तो भाइयों देखियो, इस तरीके का ये निकलता है, सेम DAP की तरह निकलता है, NPK की तरह भाइयों सेम बोल सकते हैं, किंतु इसका असर उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है जो मैंने पाया है। मैं किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, आपको लग रहा होगा कि भाई जो है कंपनी का प्रचार कर रहा है, मैं किसी भी कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रहा, वो आपकी मर्जी है आप कौन सा डालें, ना ही मैं किसी को फोर्स कर रहा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि हमने कई सारे डाले थे, मिल से भी लेके डाला था, ग्रोमोर डाला है, ये गिरनार डाला है, और कई आते हैं वो भी डाले हैं। तो भाई सबसे बेहतर जो रिजल्ट रहा है केवल दो का रहा है उपवर्क के अंदर, एक तो ये गिरनार जो मैंने आपको दिखाया, एक ग्रोमोर आता है वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, और भाइयों मिल जो आता है उसका रिजल्ट इनके दोनों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। और मैं एक बात और आपको अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरा मानना तो भाइयों ये है, जो शॉर्ट पीरियड वाली जो फसल हैं उनके अंदर आप DAP कदापि ना लगाएं। DAP केवल उन फसलों के अंदर लगाएं जो लॉन्ग अवधि वाली फसल हैं, जो लंबे समय वाली फसल हैं, जैसे गन्ना या जो इससे अधिक अवधि वाली फसल हैं। इसका कारण ये है कि जो DAP होती है वो जल्दी से घुल नहीं पाती, और वो लगती भी धीरे धीरे है, और जब धीरे धीरे लगती है तो इसीलिए जो है उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता। ये घुलनशील ज़्यादा है और ज़्यादा जल्दी से लगता है, और अच्छा रिजल्ट जो है हमें मिलता है इसका। भाइयों जो है कॉस्ट में भी औरों से कम है, सबसे बड़ी बात यह है कि बाज़ार के अंदर ये ग्रोमोर और ये गिरनार ये जो है नकली नहीं आते। भाइयों इंसेक्टिसाइड भी आपको मिल से मिल जाएगा, हमें मिल से मिला था, बाज़ार में भी ये उपलब्ध है, ट्रैक्टर ब्रांड जो कंपनी है वो इसे बना रही है। भाइयों सेम पोरेट की तरह है, इसके कई फायदे हैं, ये ऊपर वाले इंसेक्टिसाइड को भी मार लेती है और नीचे से ज़मीन से जो भी कीट लगते हैं उन्हें भी ये मार लेती है, मगर बस ये है कि आप इसे डालने के बाद पानी तुरंत दे दें तो ये ज़्यादा अच्छे से एकदम घुलेगा और एकदम से पौधे की जड़ों में जाएगा और पौधे को जो है ऊपर तक इंसेक्ट जो है जहरीला कर देगा। यदि पौधे के ऊपर कोई भी इंसेक्ट ऊपर से भी इसकी लीफ काटता है या पौधे के अंदर जो है पेड़ के अंदर है तो वो मर जाएगा। और भाइयों इसका तीसरा फायदा ये भी है कि यदि आपके खेत में कोई जैसे सुअर लग रहा है या कोई से नुकसान कर रही है या कोई चरने वाला जानवर जो है, आप इसे थोड़ा थोड़ा खेत के चारों साइड भी डाल दें तो इसकी बदबू काफ़ी होती है। और एक और मैं आपको बताता हूँ एक अपना एक्सपीरियंस, यदि आप इसकी थोड़ी थोड़ी पोटली सी बना लें, मतलब थोड़ा थोड़ा कपड़े के अंदर बांध कर इसे डाल दें तो लंबे समय तक जो बदबू रहती है और लंबे, मगर बात यह है कि हम उसे खेत में पानी ना दें, और बिल्कुल अपोजिट है सेम रिजल्ट यदि किसी जानवर के लिए हम बदबू के लिए इसे उपयोग में ले रहे हैं। तो भाइयों काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका, क्योंकि पोरेट तो अब बाज़ार में बैन है और पोरेट भी मंदी नहीं आती, और ये इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला। आप देख रहे होंगे ये गन्ना है, बरसात के अंदर ऐसा था कि हमारा गन्ना। और भाइयों इसकी एक अगली वीडियो में और बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि उसमें ये गन्ना जो है कैसा हो रहा है फिलहाल दूसरी वीडियो के अंदर। तो भाइयों
मेरा मानना तो यह है कि आप इन दोनों प्रोडक्ट को लगा के देखें। रामबाण में गिरनार वाला प्रोडक्ट रामा कंपनी बनाती है इसे, और उपवर्क है एक तरीके का, इसके अंदर सल्फर और ये जिंक है। नाइट्रोजन भाइयों आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा अलग से यूरिया मिला लें तो काफ़ी अच्छा इसका असर देखने को मिलता है। और भाइयों इंसेक्टिसाइड में भी आपको ये काफ़ी बहुत ही कम कीमत पे जो है उपलब्ध हो जाता है, काफ़ी अच्छा इंसेक्टिसाइड है, क्योंकि बाजार के अंदर ये ज़्यादा पुराना इंसेक्टिसाइड नहीं है, नया ही इंसेक्टिसाइड आया है, इसके अंदर क्लोरोफास है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका फिलहाल तो। और आगे का आप जो है इस्तेमाल करें तो आप खुद ही बताएंगे कि कैसा रिजल्ट है। भाइयों देखिए आप, ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या लगा रहे हैं, कैसा रिजल्ट है। मेरे यहाँ तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, देखिए गन्ना कितनी लंबी पो रही है। भाइयों वीडियो को ये बारे में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद।